नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में। चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, लिहाजा तमाम वोटों पे नजर है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और दल हैं जो एक बड़ी भूमिका इस बार निभाने को तैयार हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदिवासी वोट बैंक की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो आदिवासियों के बीच में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी वेशभूषा में वो नृत्य भी करते हैं। वहीं उनके साथ में हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी देखा कि वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच में गए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं शिवराज जी की शैली में नृत्य भी किया। लेकिन ये नृत्य संगीत के अलावा दरअसल बड़ी वजह क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश और देश की वो तस्वीर है। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 47 सीटों की। दरअसल इन 47 सीटों पर 32 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास रही थी। और यही वजह की कहने का एक बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है मध्य प्रदेश में वो ये सीटें जो है वो तय करती हैं। इस बार आदिवासी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस यानी कि जय आदिवासी संगठन भी कहने के नजर बनाए हुए। और यही वजह की ये जो मुकाबला है वो बेहद रोचक हो चला है। तो आदिवासी अपना मुकुट जो ताज जो पहनते हैं वो किसके सिर पर पहनाएंगे और मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा, ये पूरा जो सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बेहद ही खास पैनल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण इशू पर डिबेट। पहला सवाल प्रकाश मीर चंदानी जी से, भारतीय जनता पार्टी से। सर, 47 में से 32 सीटें आपके पास हैं आदिवासियों की, लेकिन अब चिंता सताने लगी होगी आपको कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है वो बेकरार नजर आ रही है इस वोट बैंक को वापस से हासिल करने के लिए, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस ये भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। देखिए आशु जी, आपके प्रश्न में उसका उत्तर है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस उस वोट बैंक को वापस अपने पास लाना चाहती है, ये बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी वही मानव की सेवा, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा, दरिद्र नारायण का उत्थान, उसको कैसे आगे लाना। सर, ये मेरे शब्द कांग्रेस पार्टी के नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल जो भी है, ये जो वोट बैंक आप लोग भी देखिए समाज में जो इनका व्यवहार है, जैसा इनका वर्ताव है, तो ये सारी चीजों के कारण से आप विद्वान साथी हैं और उसी के कारण से उसको शब्दों का शक्ल देते हैं और बात को आगे रखते हैं। तो ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, कांग्रेस इसी तरीके से हर व्यक्ति को, वंचित को, शोषित को, पीड़ित को, अल्पसंख्यक को, महिलाओं को, दलितों को, SC ST को, तमाम लोगों को ये बार बार वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं और 60 साल तक इन्होंने इसी माध्यम से सत्ता पर शासन किया। लेकिन यही एक विपरीत विषय है, 4 साल से केंद्र में केवल और सेवा की और सेवा और सेवा, बेहतर सेवा, व्यक्ति का उत्थान, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति, उसके व्यापार व्यवसाय की चिंता, उसको आगे बढ़ाना, और मध्य प्रदेश में 15 साल से शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य कैसे जगा सकते हैं, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। तो ये एक हमारा लक्ष्य है कि जो हमसे वंचित रह गया है, जो वनांचल में है, जो दूरांचल में है, उसको कैसे आगे लाना, उसको मुख्य धारा में लाना, उसका उत्थान करना, उसकी प्रगति करना। इसी कारण से हम जो है आदिवासी दिवस भी मना रहे हैं कल 9 तारीख को। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख एजेंडे के कारण से कि सेवा और बेहतर सेवा, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उसी तरीके से उसी तरफ हम सब लोगों को इंगित करता है, मार्गदर्शन देता है, पूरी पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। ठीक है दुर्गेश जी, हालांकि मेरे कंधे पर रख के उन्होंने बंदूक चला दी है जी। मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि अगर हम लोकसभा की भी बात करें, हमने मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताया, लोकसभा की बात करें तो 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति की हैं, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति हैं, कुल होते हैं 131। इस 131 में से 67 यानी कि 67 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास में, कांग्रेस के पास महज 13 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में जैसे कि हम बता चुके हैं 47 में से 47 में से सिर्फ आपके पास 15 सीटें हैं। आप लोग की परफॉर्मेंस आदिवासियों में जो है वो बेहतर नहीं है, अगर आंकड़ों पर हम गौर करें तो। कितना अब आपसे चुनौती देख रहे हैं आशुतोष जी? पिछला जो चुनाव था वो पूरा एक भ्रम का चुनाव था। मोदी जी ने जिस तरीके का पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाया था, एक माया जाल बिछाया था, उसमें बहुत सारी देश की जनता उसमें धोखे में आई थी। उसके तुरंत बाद में मध्य प्रदेश के अंदर पहला एक उपचुनाव लोकसभा का हुआ था झाबुआ का, वो पूरा आदिवासी बेल्ट है, उसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 8 में से 7 विधायक हैं और 8 के 8 विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई थी। इससे बात समझ में आता है कि जो भ्रम का जाल था वो टूट चुका है और मध्य प्रदेश हो या देश हो,
हर जगह भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे हाशिए पे वापस जाने लगी है। गुजरात में सबने देखा कि हाशिए पे आके अटक गए और बाकी जहां पर भी नए जगह चुनाव लड़ने जाते हैं वहां ये फिर वही प्रपंच करते हैं और उसमें उनको फायदा जरूर मिलता है, पर जिस जगह ये पहले एक बार चुनाव लड़ चुके या प्रशासन चला रहे हैं वहां ये मुंह ही खा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए हो या मध्य प्रदेश में हो या देश में कहीं भी, चाहे राजस्थान में हो, पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां इनकी कलई खुल चुकी है। तो अब इनका जो सिमटने का दौर है और अब इस सिमटने के दौर में ये फिर एक नया प्रपंच लेके आए हैं कि हम इस तरह के दिवस मनाएंगे, हम इस तरह की बातें करेंगे, कई चीजें हैं जो ये फिर से भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अब कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। एक सवाल और लूंगा दुर्गेश जी आपसे, जय आदिवासी संगठन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इनके साथ भी आप लोग क्या गठबंधन करेंगे, क्योंकि बसपा और सपा के साथ तो लगातार गठबंधन की बात तो हर जो जितने भी पार्टी है उनसे उच्च स्तर पर चल रही है और निश्चित आने वाले समय में इस पर कोई निर्णय आएगा और वो पूरा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय श्री कमलनाथ जी निर्णय लेंगे और वो जिस दिन निर्णय होगा आप लोगों के सामने समस्त सबके सार्वजनिक करना चाहेंगे, मतलब जैसी आवश्यकता होगी। हमारा तो सीधा सीधा अनिल जी मेरा यही सवाल है, देखिए मेरा यही सवाल है कि कहीं ना कहीं हम जब आदिवासी वोट बैंक की बात करते हैं, बीजेपी जो है वो खुद कंसंट्रेट करके वहां पर 47 सीटों पर जो है कंसंट्रेट कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर भी बैसाखी तलाश रही है कि जयस का साथ मिल जाए, गोंडवाना का साथ मिल जाए, कितना मजबूत पाते हैं आप इन 47 सीटों पर किस पार्टी को? देखिए ऐसा है, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं चाहे वह जयस हो चाहे वह गोंडवाना हो, ये पार्टी गोंडवाना जरूर पुरानी हो सकती है आशु जी, लेकिन जयस अभी अभी डेवलप हुई है जी। पिछले काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे आदिवासी क्षेत्रों में और अब इस लायक हुए हैं कि वो चुनौती दे सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है या तैनात करती है उसी पैटर्न को ये अपना रहे हैं। जैसे केडर वेस्ट पार्टियां काम करती हैं उसी पैटर्न पर इनका काम चल रहा है और आज इस स्थिति में ये आ गए हैं कि कांग्रेस को भी चुनौती दे और भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती दे। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ विशेष नहीं है, खोने का डर भारतीय जनता पार्टी को है, चाहे वो राज्य में आप देखिए चाहे वो केंद्र में देखिए। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में भी काफी सीटें हैं आदिवासियों की, तो मध्य प्रदेश में भी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैं समझता हूं ये इतनी प्रभावी आने वाले समय में नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रभाव केवल छिंदवाड़ा क्षेत्र में होगा, ज्यादा से ज्यादा आप आ जाइए तो मंडला डिंडोरी तक जी। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि ये चार भागों में विभाजित हो गई है, पहले एक हुआ करती थी अब उसमें चार खंड हो गए, लेकिन जयस के पास ये स्थिति नहीं है, वो अभी सिंगल पार्टी है और आने वाले समय में ये मुसीबत खड़ी कर सकती है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। ये उसी पैटर्न पे काम कर रही है जयस पार्टी जिस तरीके से आपके बहुजन समाज पार्टी के उदय के दौरान कांशीराम जी ने नारे दे करके सारे लोगों को और जहर उगल उगल के लोगों को तैयार किया था, उसी पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एक सरदर्द बनेंगे। एक सवाल और लूंगा सर आपसे, जिन क्षेत्रों में जयस या गोंडवाना यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं वहां पर आरएसएस यानी कि संघ का भी जबरदस्त नेटवर्क है, संघ लगातार आदिवासियों पे कंसंट्रेट करता है, तो आपको लगता है कि संघ इतनी आसानी से जो है इनके हाथ में बाजी जाने देगा? नहीं, संघ का कार्य क्षेत्र थोड़ा दूसरा होता है आशु जी, वो दूसरे तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करता है वो, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल मरो या मारो वाली स्थिति वाली बात करते हैं। आदिवासियों के जो नए नए संगठन पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं तो उस समय तो तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे ये खुद भी उनको भी समझ में नहीं आता। दुर्गेश जी, जो अनिल जी जो बता रहे हैं अगर मैं उसका सही विश्लेषण कर पा रहा हूं, तो आप लोग कहीं फाइट में नहीं है, अगर मुकाबला है तो बीजेपी वर्सेस जयस या प्लस गोंडवाना यानी कि आदिवासी जो नए संगठन आए, कांग्रेस से बस कुछ भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। जहां जहां आदिवासी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, नहीं कोलैबोरेशन करना एक अलग बात है,
यदि कोई को साथ में लेना है, क्योंकि एक एक दो दो परसेंट वोटिंग से भी चुनाव में असर पड़ता है, ये एक अलग मुद्दा है। और हमारा क्या अस्तित्व है, ये तो हमने आपको शुरू में बताया कि जब मध्य प्रदेश में पहला लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें 8 में से 8 सीटों में हम जीते। पैटर्न ये है कि आप मुख्य चुनाव हारते हैं, उपचुनाव जीतते हैं, ये भी पैटर्न है नेशन वाइड? ऐसा नहीं है, नेशन वाइड पैटर्न है सर, ये ऐसा नहीं है। ये लोकसभा का जो भ्रम का जाल था, माननीय मोदी जी ने जो एक आवंडर रचा था, उस आवंडर का पूरा हवा निकल चुकी है। और उसके बाद में आज पूरा देश देख रहा है कि हर जगह, चाहे सपा का हो या बसपा का हो या कांग्रेस का हो, हर व्यक्ति ने एक ना एक जगह भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है, अदर पार्टियों ने भी दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां झूठ का आवंडर रचा था वो खत्म हो चुका है। और आज बात आदिवासी और इस पे चल रही है, तो हमने मध्य प्रदेश के अंदर एक नहीं कई उपचुनाव देखे। अभी शहरी आदिवासी को 1,000 रुपये दे दूंगा, इनको मकान दे दूंगा, इनको यूं कर दूंगा, शिवराज सिंह चौहान जी ने जितना झूठ बोलना था बोला, फिर भी वो हारे। और मैं चैलेंज के संग कह रहा हूँ कि आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र, जो शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा क्षेत्र है, वहां नंबर 1 पे आदिवासी वोटर है। और शिवराज सिंह चौहान इस बार वहां से जीत के दिखाएं, वहां से वही आदिवासी, वही दूसरे अन्य समाज के लोग उनको चुनाव में से वहां से बाहर करेंगे। आदिवासियों का सब नंबर 1 बुधनी में सबसे ज्यादा वोट है आदिवासी समाज के, और निश्चित इस बार आदिवासी उनको वहां से खदेड़ के वहां भगाएगा। क्योंकि आदिवासियों पर जितना अत्याचार आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, उतना पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। उनकी जमीनों को छीन लेना, उनकी जमीन का नामांतरण करने वाले भी एक बीच में इन्होंने नोटिफिकेशन लाके खड़ा कर दिया, जिसको हमेशा रोका गया कि आदिवासी हो या दलित हो, इनकी जमीन का नामांतरण नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें भी एक सेंध लगाने का प्रयास किया, तो उनके और जो उनको पट्टे मिलने थे उनको पट्टे नहीं मिले। चुनौती दे रही है कांग्रेस आपको कि आपने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, और वो तो आपके सीधे सीएम पर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो बुधनी से जीत के बताएं। नहीं, देखिए कांग्रेस की हताशा और निराशा है। मुख्यमंत्री जी बुद्धि से बिल्कुल जीतेंगे और सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए आदिवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं, तीचा वन भूमि का, वन भूमि के जो पट्टे देने का सवाल है, या वन्या रेडियो के माध्यम से उनकी लोक संस्कृति को बचाने का सवाल है, और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे उनके लिए उनके बच्चों को IIT में मुफ्त पढ़ाने से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर विदेशों में तक जाने के लिए, आज मध्य प्रदेश में जितने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उन सबका खर्चा मध्य प्रदेश शासन उठा रहा है। और मैं आपको आशु जी बताना चाहूँगा कि उसमें 90% आदिवासी बच्चे हैं। तो ये अपने आप में एक जो एक व्यक्ति, एक पेरेंट्स जो ये देखता है कि हाँ मेरे बच्चा आज विदेश में जाके पढ़ रहा है, मेरा बच्चा जो IIT में सिलेक्ट होकर वहाँ पढ़ाई कर रहा है, और सारा का सारा खर्चा मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है, तो ये एक अपने आप अद्वितीय है। और उसी की परिणति है कि आज 57 में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लगभग हमने जो है 80% सीटें हमारे पास है। मैं ये कह रहा था कि यदि आज इतना आदिवासियों के लिए किया है, तो क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि आदिवासी महिलाओं को तन ढकने के लिए साड़ी बांटना पड़ रही है शिवराज सिंह चौहान जी को? क्यों उनके चरण पादुकाओं में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी तो चप्पल बांटना पड़ रहा? हमको देना पानी की बोतल आपको दे, हक है 15 वर्ष से आपकी सरकार है भाई। हाँ, 15 पर और उनके तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा आपने, कितना अत्याचार करोगे, रोटी कपड़ा और कितना झूठ बोलोगे। ये भारतीय जनता पार्टी आपको बांटनी पड़ रही है, पहनने के लिए चप्पल आपको बांटनी पड़ रही है। यदि उनको सक्षम कर दिया होता तो वे स्वयं अपना तन ढक लेती, स्वयं उनको खरीद सकते थे। इस्तेमाल करने आए उनके ऊपर अत्याचार किया है, सरकार आई है जो लगातार उन लोगों का जो है उन्नयन कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध करा रही है। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है सर, महिलाओं के पास ढकने के लिए कपड़े तो नहीं लौटा, आपने तो यही तो बता रहा हूँ, तो उनका कपड़ा खींचा, उनका नोचा कपड़ा भैया, मैं यही तो बोल रहा हूँ। सारी चीजें दी है और आगे भी देंगे, आपको तकलीफ है, आप चिल्लाते रहिए, विलाप करते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान करेगी जिसको हमको अपने बराबरी से लाना है। ये कांग्रेस को मुबारक हो कि वो वोट बैंक उनको मानती रहे, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप पुलाव पकाते रहिए आप, और एक कांतिलाल की बुरिया की जो सीट है, जो परंपरागत कांग्रेस की हुआ करती थी, उसको बार बार कांग्रेस कैश कराती है, क्या होने वाला उससे?
बाकी की सीटें आपको मिल जाएंगी। वो भ्रम के जाल में आपके पास चली गई भैया, बाकी भी आएंगी, कोई अंतर नहीं पड़ता, बाकी भी आएंगी। अभी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने बता के दिखा दो, प्रदेश अध्यक्ष पद से उखाड़ दिया शिवराज सिंह चौहान जी से, अभी शपथ पत्र भरवा बोलिए घोषित करिए ना, चुनाव लड़ेंगे आज कांतिलाल घोरिया को करिए क्या, आपका बावरिया जी कांतिलाल घोरिया को मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोल सकते, महाराज को बोलेंगे और एक उद्योगपति को बोलेंगे, कमलनाथ को बोलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोलते हैं, कांतिलाल घोरिया को बोलते हैं, बात कर रहे हैं डूबने वाली नहीं है, इतना आदिवासी प्रेम झलक रहा, कांतिलाल को डिक्लेयर कर दीजिए डूबने वाली है मुख्यमंत्री के रूप में, करिए आप भैया डूबने वाली है, आप हमें मत बताइए हमारी क्या होने वाली है, आदिवासी अगर आप उसको कर दीजिए डिक्लेयर बना रहे हो, क्यों आप जो है कमलनाथ का नाम लेते हैं, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री के लिए, वेटिंग इन मुख्यमंत्री, कांतिलाल भूरिया का नाम लीजिए ना, इतना आदिवासी प्रेम है तो भैया, हम लोगों ने जितना आदिवासियों के लिए किया साल में आपने नहीं किया। दुर्गा जी, दुर्गा जी, एक विश्लेषण ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप चर्चा जारी रख सकते हैं। सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के बीच लगातार वो कंटिन्यू जो है वो जाते रहे हैं, उनके कई बार वो नाचते भी है, उनके वेशभूषा के साथ नृत्य करते हैं, ढोल बजाते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है खुद की भी उनके व्यक्तिगत जो एक पैठ बना ली आदिवासी क्षेत्र में। मैं कंपेरिजन कमलनाथ जी से नहीं चाह रहा, मैं कंपेरिजन जो है कांतिलाल भूरिया जी से चाह रहा हूँ। भील की जो स्थल को अपन ने तीर्थ स्थल बनाया, वहाँ उनके कुंभ लगा रहे हैं, कांतिलाल जी नहीं, मैं कंपेरिजन चाह रहा हूँ उस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में। शिवराज जी की तो ये एक शैली है, वो आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही वो आदिवासियों के बीच में काम करना और उनकी वेशभूषा ग्रहण भी करना और उनके उस सब में शामिल होना, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सवाल वही आता है आशुद जी के, अब उनका प्रभाव इस बोर्ड में, आदिवासी बोर्ड में कितना बचा है? ठीक है, कांतिलाल लगता है कि कम हुआ है? नहीं, उसका कारण मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का जो सबसे बड़ा नेता है वो फग्गन सिंह कुलस्ते है। फग्गन सिंह कुलस्ते आज की तारीख में इनसे प्रसन्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरीके से ना अपील ना वकील ना दलील केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया उनको, तब से वो कोप भवन में बैठे हुए हैं। और वो प्रकाश ध्रुव क्या है, आदिवासी नहीं है, मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री, लेकिन नेता तो फग्गन, विजय शाह क्या है, विजय शाह क्या है, नेता तो फग्गन, कैबिनेट मंत्री नहीं है, क्या बात कर रहे हैं दादा, जितना प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही में हमारे भाइयों को दिया है, आज वो स्थिति नहीं, किसी पार्टी ने नहीं रही, दिया। रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, मुख्यमंत्री जी की, तो उनके तो शुरू से एक शैली रही, मैं समझना चाह रहा हूँ सर, कांतिलाल जी की इस तरह की तस्वीरें नहीं आती है कि वो आदिवासी की, नहीं, कांतिलाल जी में और मुख्यमंत्री जी में जमीन आसमान हुई, कैसे लेकर जमीन आदिवासी महिलाएं, आदिवासी कांतिलाल भूरिया आदिवासियों के बीच में दुर्गेश जी के मुताबिक ही वो कितने सक्रिय है, वो नहीं, वो उनको, वो रतलाम झाबुआ से बाहर नहीं निकलते, आज भी वो अपनी छवि एक जिले के नेता से ज्यादा उनकी नहीं है छवि, वो अपने जिले तक ही सीमित हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस में आदिवासी नेता के रूप में वो प्रदेश के अभी तक स्थापित नहीं हुए। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांतिलाल भूरिया जी, और आज हमारे बीच में बाला बच्चन जी भी काम कर रहे हैं अभी कारवाक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बता रहे हैं, वो आज ही छपा अखबारों में, क्षेत्र में एक ताकत के संग में उभरते जा रहे हैं और काम कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश, बाला बच्चन जी ने कहा है, जिस दिन उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था उनको हटा दिया गया, सांसद मंत्री थे तो उनको हटा दिया गया, तो उन्होंने नाराजगी अपनी सामाजिक रूप से दिखाई थी, उन्होंने बोला आपकी यार तो मैं विधानसभा जी की बात कर रहा हूं सर, पहले उस सेक्शन को पूरा हो जाने, आपके पोस्टर बॉय कितने सक्रिय हैं? प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने, मेरा पूरे हटा दिया उसके बाद, सक्रियता उसके बाद हटा दिया, भैया नंद कुमार चौहान बच्चन को लीडर अपोजिशन नहीं बनने दिया, अजय सिंह को लाके हटा दिया, आदिवासी को नेता नहीं बनने देते आप कांग्रेस पार्टी आपने कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है, इनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, नसबंदी ज्यादा हो रही है, आपकी वोटिंग थी, क्या आदिवासी सरकार खुद बोल रहे थे, ट्रैक ट्रैक थोड़ा अपन क्या क्यों भटक रहे आदिवासियों, चलो इसको खुद आदिवासियों के बीच में जाना है, चैनल पे बैठ के डिस्कशन में बोल चुके हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके संग जबरदस्ती नसबंदी हो रही है, इसलिए बोला ये कि जो है ये कांग्रेस के लोगों ने बोला क्या? आपकी वर्डिंग से बहुत, अरे मेरी वर्डिंग क्यों होगी? की पूरी वर्डिंग रिकॉर्ड में रखी, अरे आप भेज दीजिएगा मेरे पास, इनको आशीर्वाद भेज दीजिएगा। आपने बोला था अरे कांग्रेस के जमाने में होता था, कांग्रेस के जमाने में ये सारा अत्याचार होता था, इसीलिए 52 में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, अरे 15 वर्ष महिलाओं को कंधे से ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला, पता ही नहीं बांटनी पड़ रही है। सबसे पुराना इतिहास है, तो आज आप 15 साल में इतिहास समेटना चाहते हैं आदिवासियों का? आप जंगल को बचाने वाला आदिवासी है, अभी जंगल जाने वाला, जमीन को बचाने वाला देने की बात कर रही थी, कितनों को दे दिया, क्या बातें करे जाओ, मकान दे दिया थोड़ा सिमिलर है। आप समझिएगा बात को, कि जो शिवराज सिंह चौहान जी की हम फिर से इमेज की बात करेंगे, अब कंपैरिजन हम चाह रहे हैं कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों प्रमुख नेता हैं, क्या वो इस कदर जो है वो आदिवासियों तक जो है वो जा पाने में कामयाब रहेंगे? पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज स्टेट में आपको लग रही है क्या, कि भाई खुद से जाके अप्रोच करें आदिवासी को, या जयस और गोंडवाना जैसी जो पार्टी है उनको आगे करें और खुद पीछे से उनको सपोर्ट करें? नहीं नहीं, कांग्रेस की जो अब तक स्ट्रेटेजी चल रही है, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि अपन से जितनी बने पार्टी से उनके उनसे संपर्क स्थापित करो, और दूसरी पार्टी आदिवासियों से संपर्क स्थापित करो, मतलब आम मतदाताओं से, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। साथ में अगर ये किसी इन दलों से गठबंधन होता है तो इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ो मत, वो दोनों मोर्चों पे इस समय समान रूप से चल रही है। आदिवासी के बीच में जाके क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट दो या इन संगठनों के साथ? अभी, 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 अभी जिस तरीके से अभी जो वर्किंग चल रही है, अभी तो सभी मतदाताओं से प्रदेश से अपनी पार्टी की बात की जा रही है। सेकेंडरी थिंग उनके पास जो ऑप्शन है, उनके पास जैसे बासपा हुआ, सपा हुआ या गोंगपा हुआ, इनसे कितने मतलब सफल इनका वो होता है गठबंधन और नहीं होता, होता भी है कि नहीं होता, ये बात की बात है। फिलहाल तो वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। बस भाई एक सवाल और लूंगा सर आपसे, फिर मैं दुर्गेश जी, जी, जी। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि देखिए, अभी आपने खुद ने कहा कि भाई आगे जाके कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके जो फेसेस हैं, चेहरे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो आगे बढ़ेंगे। अगर कोलैबोरेशन होता है, गठबंधन होता है, तो ये तमाम जो चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन बेचारों को पीछे हटना पड़ेगा भीतरघात। आशु जी, गठबंधन में यही होता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि सामने वाली पार्टी, सामने वाला दल किन सीटों पे अड़े। निश्चित बात है, स्वाभाविक बात है कि जिन क्षेत्रों में उनका प्रभाव होगा वो वहां की सीटें मांगेंगे, और वहां पर आपको अपने प्रत्याशी विड्रा करना पड़ेंगे। अब चाहे वो भीतरघात हो या खुला विद्रोह हो, दोनों चीजें हो, लेकिन आपको अपने गठबंधन की स्थिति में आपको अपने प्रत्याशी तो वापस लेने ही पड़ेंगे। जी कंफ्यूज स्टेट है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि आपके पूरे मनोबल नहीं है, आपके जो प्रत्याशियों का जो वहां पर जो सक्रिय होंगे वो कहीं ना कहीं उनके मन में भय रहेगा कि अगर कोलैबोरेशन हो गया, जो आपकी पार्टी लगातार स्टेटमेंट दे रही है, नेशनल लीडरशिप भी दे रही है, स्टेट लीडरशिप भी दे रही है, कि हम ज्यादा से ज्यादा गठबंधन करेंगे। सारे साथियों का आज सिर्फ एक ही ध्येय है कि किस तरह वापस से मध्य प्रदेश को विकास की राह पे लाया जाए, किस तरह मध्य प्रदेश के में जो असुरक्षा की भावना सब में आ रही है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हम सब मिलके इस प्रयास में हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश आज नंबर वन महिला अत्याचारों पे है, बलात्कार पे है, इनसे वापस आने के लिए सारे नेता, मैं बता रहा हूँ, चैनलों पे कॉन्फिडेंट अपना प्रचार प्रसार करने के लिए सारे नेता कार्यकर्ता और जनता को खदेड़ने बाहर करती है। दिशा में देखने को मिली है कार्यकर्ता टिकट के लिए आपके प्रदेश प्रभारी के प्रदेश प्रभारी के अंदर बंद करके पिटाई लगाते, कुंडी चढ़ाते, टिकट के लिए वहां लड़ने पहुंचा था, ये गलत फहमी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सारे कार्यकर्ता नेता एकजुट होके एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे, दूषित वातावरण को खत्म करने के लिए नकारात्मक विचार सारे सर फोड़ेंगे एक दूसरे के द्वारा तय सारे सर फोड़ेंगे पार्टी को जिताने के लिए नेता कार्यकर्ता एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को टिकट चाहिए, बांध के छोड़ेंगे। जी भाई, हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तो एकजुट है, लेकिन अगर दूसरों का खड़े करो, जो निर्णय पार्टी नेतृत्व देगा उसको सर्वमान्य रूप से माना जाएगा।
देश के लिए सब जूते मार के जूते कमरे में समाज के पास आपके पार्टी में आपके संगठन में चल रहा है दिखाई दे रहा है कि आपके मीरा समाज को आपने अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी पार्षद है तो ठीक है भैया, ना आपका पार्षद ही वही तक रही है पार्षद तक अटक रही है। हाँ तो पार्षद आप लोगों का स्तर पार्षद बेचारा गुजराती सीधा साधा प्राणी है। बढ़िया सर, बहुत सीधे हैं सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। एक और विश्लेषण लेंगे अनिल सर। अनिल जी, कहीं ना कहीं लगता है इतिहास में एक शब्द आता है कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन, यानी कि जब उपनिवेशवाद चल रहा था तब चाइना को कई जो शक्तियां थी, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, तो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको काटा था कि भाई ये पूरे एक नक्शा को बीच में रखा था और ऐसे से काट लिया था। मैं अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो उनके कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है अगर हम विंध की बैठ ले, चंबल की बैठ ले, तो लग रहा है संभावित तौर पर बसपा और सपा ले जाएगी। आदिवासी जो क्षेत्र है अब लगने लगा है कि ये जयस जो है गोंडवाना से जो है कांग्रेस पार्टी वो करेगी, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अभी तक वो मनोबल ही कायम नहीं कर पा रहे कि भाई हमें पूरे मध्य प्रदेश में लड़ना है कि नहीं लड़ना, हम सक्षम है कि नहीं, हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। देखिए कांग्रेस में बड़े कंफ्यूज स्टेट में, कंफ्यूज स्टेट है दोनों तरफ है, ईमानदारी की बात। भाजपा में काय के लिए है, सुनिए आप पूरी भाजपा में क्यों, भाजपा अपने दम से झूठ बोल रही है, बात नहीं सुनते, पहले बात तो सुन लीजिए। अरे भैया भाजपा क्यों, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि सत्ताधारी दल है इसलिए दावेदारों की उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक है। हमारे पास संस्कृत कार्यकर्ता है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये समस्या है कि इनमें से देना किसी को एक विदिन द पार्टी जी, ये जो सिनेरियो बता रहे हो विदिन द पार्टी कांग्रेस के साथ भी है, कांग्रेस के साथ एक एडिशनल डिसएडवांटेज ये है अभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी टिकट काटने की बात यही कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, क्या वो मैदान में नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं? जिन क्षेत्रों में और जिन सीटों पर गठबंधन होता है वहाँ निश्चित बात है कि पार्टी को अपने प्रत्याशी वापिस लेने पड़ेंगे, चाहे वो कितनी ही वरिष्ठता क्रम में हो, चाहे उसका कितना ही हक बनता हो। लेकिन अगर गठबंधन की स्थिति है और गठबंधन हमेशा आधारित होता है किस पार्टी का किस क्षेत्र में कितना प्रभाव है, निश्चित अगर वहां दूसरी पार्टी का प्रभाव हुआ तो वो गठबंधन में वो सशर्त मांगेगा। मैं पूछ रहा हूं सर, तो अभी कांग्रेस की तैयारी किस स्तर पर है? अब ये कांग्रेस वाले बताइए कि उनके किस स्तर पे सीधे दुर्गे जी, दुर्गे जी इसमें एक एडिशनल इनपुट में दे रहा हूं आपको। भोपाल की बात करें, राजधानी की, हमारे दफ्तर में कई कई जो है कांग्रेसी नेता आ चुके हैं कि भाई साहब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने कहा आपको टिकट मिल गया क्या? बोले नहीं, हम लोग संभावित प्रत्याशी हैं, हम ये मान के चल रहे कि हमें टिकट मिल गया। मुझे हम मुझे बाहर निकलते हैं, सुनिए आपने जो बात बोली है उसका जवाब दे रहा हूं। हमारे पास नहीं, आपका रिजल्ट है, बाहर हम निकलते हैं तो तमाम दीवारों पे पोस्टर लग चुके हैं, एक एक विधानसभा में चार चार, और वो बकायदा सबका चुनाव चिन्ह पन जाए। ठीक है सर, ये सिचुएशन राजधानी की है। अब आप उधर आ जाएगी, अब जब इन ऐसे लोग वहां पर भी होंगे, आदिवासी क्षेत्रों में भी होंगे, आपके चंबल विंध्य में भी होंगे, वहां पर जब आपके पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा और सपा बसपा को मिलेगा, तो जो तैयारी कर रहे हैं वो तो नलीफाई हो गई, जीरो हो गई। नहीं, अब आपने जो बात बोली, हमारे यहाँ सारे जितने भी सारे लड़ेंगे एक साथ, चुनाव लड़ने की विचार का सर फोड़ देंगे, पार्टी का दायित्व निभाने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिसको टिकट नहीं मिलेगा सर फोड़ने का दायित्व निभाने के लिए बैठा है कांग्रेस में। फर्जी वोटरों की लिस्ट बन गई, उनका कैसे निवारण किया जाए, कैसे नए मतदाता जोड़े जाए, मुद्दे पे आने नहीं चाह रहे, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपने जो बोला जवाब देगा आपके पास में, आप क्षेत्र में बैठे हैं,
इस क्षेत्र में आपके पास मैं भी आया तो एक बंदे ने आके आपसे बोला कि आप वोटर लिस्ट में आप अपना नाम दिखवा लें, फर्जी वोटर बहुत जो कह रहा मैं सब आवे लिए आया छी हूं। हां बात करने से क्या होने वाला है, हर कार्ड मिल गया है नहीं मिलेगा तो मैं दुर्गेश शर्मा का सर बोल दूंगा। वो ये भी कहते गया है हर कांग्रेस का मुझे नहीं दिया पावर याने नहीं दिया कमलनाथ ने तो मैं सर फोड़ दूंगा दुर्गेश शर्मा का। आशु ने कहा कि भैया दुर्गेश शर्मा भी प्रत्याशी संभावित, मुझे नहीं दिया तो मैं सर फोड़ दूंगा इसका। ये भी कहते गया है आपके कार्यालय में अरे पूछो ना कितने आशु जी बताओ भाई इनको बताओ देख रहे हैं हम और अरे बताओ 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 है ना आप देखते हैं दूरबीन लगा के यहाँ तो पब्लिक में दिख रहा है। अरे पब्लिक में दिख रहा है इतिहास में आप लगातार बड़े राजनीति आपने नजदीक से देखी है, मैं हो सकता है कि मुझे बायस बोला जाए जो मैं स्टेटमेंट बोला जा रहा हूँ, इतनी कमजोर इतनी बेबस कांग्रेस आपने पहले देखी? नहीं नहीं देखिए इसको कमजोर नहीं कहा जा सकता, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है कि कांग्रेस की तरफ में गया। अरे यार आप आपके मामले में मैं टोकता नहीं हूँ, थोड़ा सा दूसरे के आरोप लग सकते हैं ना स्टेटमेंट मैंने जो बोला। तो ऐसा है कि कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेसिकली अंतर ये आता है आशु जी कि कांग्रेस पार्टी जब प्रत्याशी घोषित होता है तो प्रत्याशी कभी चुनाव नहीं लड़ता, वो दूल्हे की वेशभूषा में रहता है, घोड़ी पे बैठा रहता है, उसके पीछे पूरा संगठन खड़ा होता है। इतने सारे दूल्हे आ रहे हैं, सुनिए सुनिए मेरी बात, और वो नहीं पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है और उसके पीछे संघ खड़ा होता है। ये एक इनमें भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी में जरूर प्रत्याशी अपनी टीम बनाता है लड़ता है, बावजूद इसके कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको कमजोर आंक रही है तो ये गलत है, इतनी कमजोर नहीं है। और आप आने वाले जितनी के प्रचारित की जा रही है जितनी भैया 100 दूल्हे हैं दुल्हन का आता पता ही नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये हाल है, थोड़ा अपने को क्लियर कर लूं क्योंकि मेरी बायस वो सवाल नहीं था, मैं इसको डिबेट का आखिरी उसमें चरण में ले जा रहा हूँ, बायस वो नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये मैसेज कन्वे हो रहा है जनता के बीच में, हम लोग भी जनता से लगातार जो है जुड़े रहते हैं तो जनता ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पे आ ही नहीं रही है भाई, यहाँ अभी क्लियर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ बड़े नेताओं को लग रहा है कि हाँ भाई वो बचा पाएंगे अपनी सीट को, बाकी जो छोटे बेचारे हैं उनको तो डर लगने लगा। नहीं आदरणीय ऐसा नहीं है, आज देश में जो पार्टी शासन कर रही है वो 47 पार्टियों के गठबंधन से शासन कर रही है और हमारे साथ में यदि गठबंधन करने की बात चल रही है पूरे देश ले प्रदेश में नहीं पूरे देश में देश में पहुंच जाते हैं आप बात करते हैं मध्यप्रदेश की देश में पहुंच जाते हैं, आपको देश की बात करेंगे तो पंचायत पे आ जाएंगे, संगठित पंचायत में ये हो रहा है प्रयास। ये तो कांग्रेस है साहब, क्या करोगे? केवल इसलिए कि आज देश के अंदर पूरे में देखा जा रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आम जनमानस अपने आप खुली आंखों से सपने देख रहे हैं सब जगह। नहीं भाषण नहीं दे रहा हूँ, जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ। बोला गठबंधन का मैं बता रहा हूँ कि समान विचारधारा, अरे आशीष जी का प्रश्न ही नहीं समझ आ रहा है, विचारा दो को आपने समझा बता रही है उनको जी। एक आखिरी सवाल मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, आराम से शांति से सुनिएगा और प्लीज कोशिश कीजिएगा मेरा जो आरोप है उसको आप गलत साबित कीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। मेरा सिंपल सा इतना सवाल है, आपके तमाम जो प्रत्याशी, मैंने राजधानी को उदाहरण से लेकर मैंने आपको पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई कि वो खुद जो है वो सामने आ गए, एक एक विधानसभा में चार चार प्रत्याशी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये उनके अंदर बेचैनी क्यों है? वो बेचैनी की वजह इसलिए है ना कि भाई हमको अपनी पार्टी में अगर तरजीह नहीं दी और कहीं गठबंधन हो गया और हमारी जगह कोई सपा बसपा गोंडवाना या जयस आ गए तो हमारे तो इतने सालों से हमने जो कांग्रेस पार्टी में सोचा था वो नहीं मिल पाया। के लिए बता दूं चार चार नहीं, एक एक विधानसभा 15-15 20-20 तो 50-50 लोग टिकट मांगते हैं, मांगेंगे कि उसमें बुराई क्या है, सारे कार्यकर्ताओं का हक है, हम तो ये कहेंगे सारे कार्यकर्ताओं का हक है, क्या है मांगे बावरी जी, क्या है कि केवल जो है नहीं मिला तो सर फोड़ दूंगा जाति मतलब एक जो है कोई जिस तरीके से ताली बजा के और ये इस तरह हथौड़ों की तरह बैठने से कोई जीवन नहीं दिया जाता, कैसे दिया जाता है कुछ कुछ बचता जाता है। मेरा ये है कि हाँ हम हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को अधिकार है और हमारे यहाँ से आदेशित है कि आप सब लोग जाएं जनता के बीच में माहौल बनाए, बिल्कुल मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ वोट मांगने, नहीं जा रहा कोई भी वोट मांगने तो आ रहे हैं, तो अरे भैया अपना फोटो दे रहे हैं वोट मांगने जा रहे हैं, वे आके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं
पार्टी के लिए पंजे के चिन्ह पर वोट मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं, लगा है साथ में दूसरे सारे नेताओं के भी है, नहीं है सारे नेताओं के भी है। अरे खुमसा छापेंगे यार, अरे छपा बाहरी लगा हुआ तो जूतम दरवाजा दरवाजे लगा हुआ, हम तो एकजुटता के साथ में एक क्षेत्र में 10-10 लोग जा रहे हैं, मान सम्मान से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो विधायक और सांसद को पीटता है और आप लोग तो जूतम पहल में लगे हो, हम लोग कम से कम सम्मान से एक दूसरे का ताकत बढ़ाने के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह वोटरों के पास में हमारे एक नहीं 6-6, 8-8 साथी बाहर कांग्रेस के लिए वोट मांगे, मांग रहे हैं 10-10 लोग मांग रहे हैं और मांगेंगे जी बाद सर। कंक्लूड कराना चाहूंगा, ये जो आदिवासी दिवस बीजेपी मना रही है जिस तरह से सिस्टमेटिक आगे बढ़ रही है, कंपैरिजन कराना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आदिवासी वोट बैंक पे कंसंट्रेट कर रही है बीजेपी और कांग्रेस। देखिए आदिवासी वोट बैंक पे तो कांग्रेस जो उसका जनाधार आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर हुआ है उसको पाने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है। तैयारी कैसी है सर दोनों का कंपैरिजन? तैयारी दोनों की लगभग अभी एक समान है, भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में निश्चित कुछ आगे है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है कि जो उसका वोट बैंक, क्योंकि परंपरागत ये वोट बैंक कांग्रेस का रहा है, तो जिस तरीके से उसका वोट बैंक उससे छिटका है उसको पुनः प्राप्त किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस उसमें लगी है कि हम प्लस में ना हो तो कम से कम माइनस में भी ना जाएं, ये सोच लिए मुख्यमंत्री लगातार जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चारों दिग्गज लगे हुए हैं, तो कांग्रेस में चारों दिग्गज लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसमें सबको बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, दोनों अपने समान तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का। मुझे राहुल गांधी जी की शेड्यूल की वो यात्रा आ रही है क्योंकि पर्सनली मैंने खुद कवर की थी, उस समय जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला था महिलाओं को लेकर वो काफी सुर्खियों में रहा था, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल इलाके में बहुत ही किसी भी सियासी दल के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, और लेकिन यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से इंडिविजुअल अप्रोच से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर संगठन यानी कि महागठबंधन की और जो है कोशिशों में जुटी हुई है, महागठबंधन यहाँ पर प्रभावित कर पाता है आदिवासी को या बीजेपी फिर से यहाँ पर कमल खिला पाती है ये जनता तय करेगी। आदिवासी वैसे माने जाते हैं काफी भोले होते हैं, लेकिन इतने भी वो भोले नहीं होते कि अपने हक और जो अपने हुकूक हैं उसके लिए वो लड़ाई ना लड़ सकें, सही बटन ना दबा सकें, तो निश्चित तौर पर देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।